मंडल स्थित रामगढ़ झील का म्यूजिकल फाउंटेन शो का ट्रायल सोमवार को शाम को किया गया, जिसके तहत झील में लगाए गए 10 फाउंटेन को शुरू किया गया। इसके अलावा शेष फाउंटेन को 31 मार्च तक शुरू कर दिया जाएगा। ट्रायल के दौरान रामगढ़ ताल में लगा फाउंटेन की छटा देखते ही बन रही थी। अलग अलग रंग बदल रही फाउंटेन की मनमोहक छटा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए लेक व्यू घूमने आए लोगों और जल निगम के अधिशासी अभियंता रतन सिंह सिंह ने कहा, अच्छा लग रहा है। इस तरह कभी देखी थी गोरखपुर? नहीं। और कहीं पे? नहीं। अभी नहीं देखी? नहीं। कितना सुंदर लग रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ रहती है? हाँ, कहाँ रहती है? गोल घर। क्या लग रहा है? अभी तो थोड़ा सा बस। अंकिता अग्रवाल, साल के अंदर देख रही है, फाउंडेशन है। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है और कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, अपने शहर में एक ये नई चीज है। अभी तो ये थोड़ा है, अभी पूरा तो बाकी ही है, तब उसके बाद पता चलेगा कैसा क्या है ये। और कहीं आपको इस तरह का देखने को मिला किसी झाल? यहाँ तो नहीं देखने को मिला है, हाँ बाहर गए तभी हम लोग देखे हैं म्यूजिकल फाउंटेन वगैरह, यहाँ पे तो नहीं। लोगों के लिए एक नया एंटरटेनमेंट होगा, एक गोरखनाथ में लगा और एक ये उससे थोड़ा ब्रॉड है। गोरखनाथ में तो एक छोटे से मानसरोवर में लगा, यहाँ ताल में लगा, ये यहाँ तो इसमें लगा हुआ है। आप देख सारी का यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं रामगढ़ ताल पे, ये बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। लखनऊ से हम गोरखपुर आए हैं, इसको देखने के लिए आए हैं और अच्छा लगता है। शहर बढ़ रहा है, कुछ सुंदर सी चीज़ें हो रही हैं जिससे लोगों में बहुत उत्साह है। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं, खाने पीने की चीज़ें भी लगी हैं और ये तरक्की का एक नया वो रुख है, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। अभी तक हम लोगों ने विदेशों में ही ये देखा था म्यूज़िकल फाउंटेन और ये सब, अब यहाँ पर भी ये आ गया है, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और ये तरक्की करे गोरखपुर, हम यही चाहेंगे। गोरखपुर बहुत अच्छा शहर है हमारा। मैं अधिशासी अभियंता जल निगम से हूँ, रतन सेन सिंह। भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ये जो रामगढ़ ताल की परियोजना वर्ष 2010 में स्वीकृत हुई थी, उसमें से एक मुख्य कार्य जो है ये फाउंटेन के अधिष्ठापन का कार्य अवशेष रह गया था। तो ये इस कार्य को शीघ्र से शीघ्र पूरा करने हेतु जो है माननीय NGT द्वारा गठित माननीय मॉनिटरिंग कमेटी के द्वारा भी निर्देश दिए गए थे। तो उसी के तहत हम लोग दिन रात प्रयास करके इसको इंस्टॉल किए हैं। इसके अंतर्गत पूरे ताल में 25 नग जो है कैस्केड फाउंटेन अधिष्ठापित होंगे, जिसकी जेट की हाइट लगभग 10 मीटर होगी और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ताल के जल में ऑक्सीजन की घुलनशील मात्रा बढ़े ताकि इसमें जलीय जीव जंतु जो है और अच्छे से पनप सकें, जिसके तहत 25 में से 10 ये हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिए हैं और 10 का आज ट्रायल कर रहे हैं। शेष 15 जो है और एक अदद जो है मल्टीमीडिया फाउंटेन का जो है अधिष्ठापन अभी हम लोग कर रहे हैं और इसका ट्रायल कंप्लीट जो है हम लोग 31 मार्च तक इसको पूरा करेंगे।